हे गाइस, आज हम ओप्पो A15s को अनबॉक्स करने वाले हैं। यहाँ पर मेरे पास है 4GB 64GB वाला वेरिएंट। आज हम इसको अनबॉक्स करेंगे, इसके स्पेसिफिकेशन और फीचर के बारे में बात करेंगे। तो अभी देखते हैं इसके बॉक्स के फ्रंट पे क्या लिखा है। बॉक्स पे हमें ओप्पो की ब्रांडिंग दी है और साइड में ओप्पो और ICC वर्ल्ड कप की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। बॉक्स के पीछे 4GB 64 6.5 HD स्क्रीन, AI ट्रिपल कैमरा, 4250 mAh की बैटरी, ये स्पेसिफिकेशन हाईलाइट किए हैं। बॉक्स के सबसे नीचे फ़ोन की प्राइसिंग और यहाँ पर मेरे पास है फैंसी वाइट कलर वाला ओप्पो A15s। तो जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है। यहाँ पर हमारे पास है एक ट्रांसपेरेंट केस जिसके अंदर सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलता है और उसके साथ ही हमारे पास है एक यूज़र मैनुअल और कुछ डॉक्यूमेंटेशन, इसे भी रखते हैं बाजू में। ट्रांसपेरेंट केस काफ़ी पतली लगी है मुझे, लेकिन अपना काम चल जाएगा इससे। और यहाँ पर है एक वाइट कलर का ओप्पो A15s जो पीछे से काफ़ी शानदार लगता है। इसका बैक जो है वो प्लास्टिक से बना है लेकिन ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा है। फ़ोन के साइड में हमें कुछ बटन्स दिए हैं। यहाँ पर हमें पावर ऑन ऑफ बटन और उसके ऊपर हमें वॉल्यूम अप डाउन बटन देखने को मिल जाती है। फ़ोन के सबसे नीचे हमें कुछ पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 3.5mm जैक, माइक्रोफोन, उसके साइड में माइक्रो USB पोर्ट और सबसे राइट साइड में हमें स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर फ़ोन के लेफ्ट साइड में हमें सिम स्लॉट देखने को मिलता है। अभी मैं आपको इसे खोलकर दिखाता हूँ। फ़ोन के सबसे पीछे हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पर 13 MP का प्राइमरी कैमरा और 2 MP के मैक्रो और डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है। अभी हम सिम इजेक्टर टूल की मदद से यहाँ पर सिम स्लॉट निकाल के देखते हैं। यहाँ पर आप 2 नैनो सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं। ये फ़ोन ड्यूअल 4G स्टैंडबाय के साथ आता है। अभी हम इस फ़ोन को चालू करके देखते हैं। मैंने फ़ोन को रख दिया है बाजू में। अभी देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या कंटेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें एक चार्जर देखने को मिलता है जो नॉर्मल सा चार्जर है, 10 वॉट का, फास्ट चार्जर भी नहीं है। और उसके साथ ही बॉक्स में हमें माइक्रो USB केबल देखने को मिलती है जो नॉर्मल सी केबल है, टाइप सी केबल नहीं है। टाइप सी होता तो और मज़ा आ जाता। यहाँ पर मैं आपको इसे निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माइक्रो USB केबल है। तो गाइज, यही था इस फ़ोन के बारे में। अगर आपका कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।